रिपब्लिक टीवी के प्रमुख श्री अर्नब गोस्वामी, इनके खिलाफ मैंने आज महाराष्ट्र विधिमंडल में विधानसभा के सदस्य होने के नाते हक भंग का ठहराव दे दिया था। माननीय अध्यक्ष जी ने उसके ऊपर निर्णय देते हुए वो एक्सेप्ट कर लिया और हक भंग समिति अभी अस्तित्व में नहीं है, इसलिए माननीय अध्यक्ष जी के अध्यक्ष के माध्यम से उसका निर्णय होगा। मैंने यही कहा कि श्री अर्नब गोस्वामी एक टीवी चैनल के मालिक है, वो सूत्रधार है और उसके दौरान महाराष्ट्र के विधानसभा के सदस्य रहते हुए आदरणीय उद्धव जी ठाकरे का उल्लेख उन्होंने एक ही किया है। उसी तरह से हमारे देश के नेता आदरणीय शरद जी पवार का उल्लेख भी किया है, साथ ही में महाराष्ट्र विधानसभा के अन्य मंत्रीगण, लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और विधानसभा के सदस्यों का उन्होंने हमेशा अपमान किया, इसके लिए उनके खिलाफ आज हक भंग की नोटिस हमने दी थी और माननीय अध्यक्ष ने वो एक्सेप्ट की है। मैंने यही कहा है, ये अर्नब गोस्वामी अपने आप को सुप्रीम कोर्ट के जज से बड़ा कहता है, उसे पता होना चाहिए कि विधानसभा के सदस्य का अपमान करना इतना छोटी चीज नहीं है। तो उनके खिलाफ महाराष्ट्र के विधानसभा के अध्यक्ष निश्चित रूप से बहुत ही अच्छी तरह से निर्णय देंगे।